है, चेंज होने के बाद बनी हुई है, तो कितनी आ जाएगी 6 4 24। अब ये हमारी इनिशियल है और ये हमारा जो चेंज होने के बाद आई है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है ना दोनों में, 25 और 24 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस हम किसके ओरिजिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, कि जब पूछ रहा कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ उसकी सैलरी में, जब ये 25 था, जब ये क्या था इसकी ओरिजिनल वैल्यू 25 की सैलरी, तो चेंज कितना आया? 1 रुपीज का आया। चेंज कितने का आया? 1 रुपीज का। अगर इसकी सैलरी 1 होती तो फिर कितना चेंज आता? 1/25 चेंज आता, ठीक है। अब परसेंट निकालना, तो परसेंट अपने हमेशा किस में निकालते हैं? 100 में निकालते हैं ना। तो जब अगर 100 होगा तो उस केस में क्या होगा? 1/24 + 100, तो ये कितना आ जाएगा एनसीआर में? 4% आ जाएगा। एग्जाम में बहुत सारे एसएससी बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन इस बेसिस पे आते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे। या तो आपको रेक्टेंगल कह देगा या किसी की सैलरी वगैरह निकलवा देगा। इसमें आप देखो, अगर आप करोगे तो आ जाएगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आपके पास मेथड नहीं होंगे करने के, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास मेथड नहीं होंगे करने के, ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। पहले हम उसकी सैलरी एक्स मान लेंगे, फिर उसका 20% इंक्रीमेंट करेंगे, फिर उसको 20% इंक्रीमेंट करेंगे, फिर निकालेंगे, तब भी क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन वो क्या होगा हमारे लिए? लेंथी होगा। हमें हाफ सेकेंड में क्या करना है? क्वेश्चन को डन करके बबल्स कर देने हैं। तो इसमें देखो, कोई ऐसा नंबर नहीं जो बहुत बड़ा नंबर हो जिसका आप माइंड में कैलकुलेशन ना कर सको। कोई ऐसा नंबर है जिसका आप माइंड में कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो। 5 और 5 का मल्टीप्लाई आप इजिली कर सकते हो, 6 और 4 का भी कर सकते हो, 25 में से 24 माइनस भी कर सकते हो आप, ठीक है, 100 में 25 से भाग भी दे सकते हो आप, ठीक है। सारी कैलकुलेशन किस में हो जाएगी? आपके माइंड में हो जाएगी, ठीक है। तो विद इन हाफ सेकेंड में क्या हो जाएगा? आपकी निकल के आ जाएगा। और जैसे इस पर 2-4 क्वेश्चन आप करोगे तो आपको यही से पता चल जाएगा कि 1% आ रहा है 2500, तो कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहाँ पे 24 है ना, तो ये क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लेता है कि इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, कांस्टेंट रहेगा, नॉन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू नहीं दिया रहेगा वो आपको, 4% वो ये सब वैल्यू नहीं दिया रहेगा, सिर्फ क्या पूछेगा आपसे? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कांस्टेंट या फिर नॉन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, पहले 25 से 24 हो गए तो क्या होगा? सीधी सी बात है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो तुरंत आपको क्या करना है? उस पर टिक कर देना, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन अगर परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है तभी हमें वहां तक जाना है, अदरवाइज क्या कर देना? उसी को हमें टिक कर देना है, ठीक है। ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन आप बनाओ। एक रेक्टेंगल है, मतलब एक आयत है, ठीक है, उसकी लंबाई में पहले 10% का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है और उसकी चौड़ाई में 20% का क्या कर दिया जाता है? डिक्रीमेंट कर दिया जाता है। रेक्टेंगल मतलब समझते हो ना, आयत, ठीक है, जिसकी ये साइड और ये साइड इक्वल होती है और ये साइड और ये साइड क्या होती है? एक टाइम इक्वल होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले इसकी लंबाई में कितना कर रहा है? 10%। 10% में क्या कर रहा है? इंक्रीमेंट कर दे रहा है, ठीक है, और इसमें 20% का क्या कर दे रहा है? डिक्रीमेंट कर दे रहा है। लंबाई में तो उसने क्या किया? इंक्रीमेंट कर दिया, और उसकी जो चौड़ाई थी, ब्रेथ थी, उसमें क्या कर दिया? डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। पूछ रहा है ओवरऑल चेंज क्या होगा उसके एरिया में? उसके एरिया में चेंज क्या होगा? क्या होगा बताओ? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा? आपने ट्राई कर लिया? हाँ करो।
चलो देखो मैं करा रहा हूँ आपको, 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, 10% का मतलब क्या हुआ 1/10 इसका फ्रैक्शन बन गया, ठीक है, 10% का मतलब क्या हुआ 1/10 बन गया। अब पहले ये 10 था, अब ये बढ़ी कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। अब ऐसे क्या है, ये ब्रेथ है इसकी 20%, 20% का मतलब क्या होगा 1/5, ठीक है, ये क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले ये 5 था, अब क्या हो गया ये 4 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 50 हो गया, ये कितना हो गया 44 हो गया, डिफरेंस कितने का आया 6 का आया, ठीक है, डिफरेंस कितने का आ गया 6 का आ गया। तो आपका टोटल मैं अगर डायरेक्टली ऐसे करूं तो इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 12% आ जाएगा, समझ गए आप। इसको ऐसे लगा के, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है ना, कभी भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम देखेंगे तो अपने ओरिजिनल के अकॉर्डिंग ही तो देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसे इतना अपना आपने ये प्लॉट बना लिया है, ठीक है, दोबारा आपको बनवाना है, ठीक है, मान लीजिए पड़ोसी ने आपको थोड़ा सा कब्जा कर लिया, तो पहले जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसी के रेस्पेक्ट में तो देखोगे ना इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ इसका, ठीक है। तो हमारी क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, अगर जब ये 50 थी, अगर डायरेक्ट सिर्फ आता है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया तो क्या हो रहा है यहाँ से डिक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि पहले हमारा 50 था, ये कितना हो रहा है 44 हो रहा है। अब परसेंटेज कितना चेंज हो रहा है, तो 50 में कितना चेंज हो रहा है 6 का, जब ये 50 था तो कमी कितनी की हो रही है 6 की, जब अगर ये 1 होता उस केस में कमी कितनी होती है 6/50 की कमी होती है, ठीक है। अब परसेंटेज मतलब 100 में चेक करना है तो 100 में कितना होगा 6/50 × 100, यही तो होगा 6/50 × 100, तो ये 2 हो जाएगा 6 टू जा 12% का क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट हो जाएगा, 12% का क्या हो जाएगा आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, बाद में फिर 10% घटा दिया जाता है, ठीक है, कह रहा है कि कोई नंबर है, कोई नंबर है उसमें पहले क्या कर रहा है 20% का इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है 10% का क्या कर दे रहा है उसमें डिक्रीमेंट कर दे रहा है, तो उस संख्या में क्या चेंज आएगा, उस नंबर में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कह रहा है कोई नंबर है उसमें सबसे पहले क्या कर रहा है 20% का इंक्रीमेंट कर रहा है, उस नंबर में सपोज दैट वो नंबर हमारा x है, उसमें क्या हो रहा है 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद उसमें क्या कर रहा है 10% का डिक्रीमेंट कर दे रहा है, तो पूछ रहा है कि उस नंबर में क्या परिवर्तन आया। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, ठीक है, और आपको बता दिया कि आपको हाफ सेकंड में करना है, बाकी करने तो आप घर पे बैठ के कर ही दोगे किसी ना किसी वहां से। क्वेश्चन लिख नहीं रहे इसलिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है, 4 मिनट बचे हुए हैं, इसको सॉल्व करने 20% का क्या कह रहा है वो इंक्रीमेंट बता रहा है, ठीक है, और फिर 10% का क्या हो रहा है इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो 20% मतलब क्या 1/5, 10% मतलब 1/10, तो इंक्रीमेंट पर मैंने आपको बता रखा है कि जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर साथ में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है, अगर डिक्रीमेंट होता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो पहले ये 5 का कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, और इसमें क्या हो रहा है 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है तो पहले का 10 था अब क्या हो जा रहा है 9 हो जा रहा है, ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, अब डिफरेंस कितना का आ रहा है 4 का, और ये इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, पहले 50 था अब कितना हो रहा है 54 हो जा रहा है 54 हो जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है इंक्रीमेंट कर रहा है, तो इसके हमारी मैंने बताया आपको किसके रेस्पेक्ट में देखना है, जो हमारी इनिशियल वैल्यू है उसके रेस्पेक्ट में आपको देखना है, तो पहले जब ये 50 था तो उसके इसमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ 4 का हुआ,
देखो ये 50 है तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 4 का हुआ। अगर ये 1 होता तो कितना होता, 4 अपॉन 50 होता। अगर ये 100 है तो उस केस में कितना होगा, 4 अपॉन 50 क्रॉस 100 है, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा और 4 2 8% 8% का क्या हो गया इसमें, इंक्रीमेंट हो गया इसका, 8% का क्या हो गया इसका, इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आप बना लोगे ना, अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं किसी लंबाई चौड़ाई जो भी है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन ढूंढना, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ नेक्स्ट, अलग टाइप का, ठीक है, अभी आपके पास 2 मिनट टाइम, ठीक है, सुनो। कह रहा है किसी चीनी के मूल में 20% की वृद्धि हो जाने से चीनी की खपत में कितना परसेंट कम कर दिया जाएगा। कह रहा है कि अगर चीनी के मूल में, चीनी की जो कास्ट है उसमें 20% का क्या हो जा रहा है, इंक्रीमेंट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो कह रहा है चीनी की जो खपत है, चीनी की जो खपत मतलब समझते हो ना, जो हम यूज करते हैं उसको कितना कम कर दें, ठीक है, कि जो हमारा जो पहले जितना रुपए हम खर्च करते थे वही आए, मतलब परिवर्तित ना हो। सपोज़ कहने का मतलब ये है, अगर आप एक महीने में 100 रुपये की चीनी खाते थे, ठीक है, एक महीने में 100 रुपये की क्या करते थे आप, चीनी यूज करते थे, अब क्या हो गया, चीनी की परसेंटेज जो वैल्यू थी, रेट थी, वो 20% क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। अब उसको 100 रुपये में ही महीने का खर्च हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, चीनी की मात्रा कुछ कम खाओगे, ठीक है, चीनी की मात्रा कम खाओगे तभी तो जाके वो बैलेंस होगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, सुनो। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत को कितना परसेंट आपको कम करना होगा ताकि चीनी का खर्च जो है चेंज ना हो। मतलब 100 रुपये अगर आप यूज करते थे मंथली तो 100 रुपये ही यूज करो, ठीक है, तो उस केस में आपको अपनी खपत को कितना कम करना। सपोज अगर 5 किलो यूज करते थे तो हो सकता है 4 किलो अगर आप फिर खपत करो तो क्या हो जाए, 100 रुपये में ही आपका काम चल जाए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो फिर मैं सॉल्व कराऊँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बार फिर समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन समझ में आया तभी आप कर पाओगे, ठीक है, अदरवाइज लड़ते रहोगे। कह रहा है कि किसी चीनी के मूल्य में क्या कर रहा है, 20% का इंक्रीमेंट कर दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको अपनी जो खपत है, जो यूज करते थे चीनी, उसको कितना कम कर दो ताकि जो आपका बैलेंस है वो चेंज ना हो, परिवर्तित ना हो, ठीक है, बताता हूं। अब जैसे हम खपत निकालते हैं ना, जैसे मान लीजिए पहले 5 रुपये के जी मिल रहा होगा, सपोज दैट कि 5 रुपये, और आप यूज कितने करते थे एक महीने में 4 केजी, ठीक है, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करके 20% लाते थे, ठीक है, ये इसकी खपत थी, सॉरी ये इसकी प्राइस थी और ये आपकी क्या थी, खपत थी, ठीक है, तब इसको आप 20% बनाते थे, ठीक है। अब ऐसे ही क्या कर रहा है ये, पहले ये 5 था, ठीक है, अब इसका रेट कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर दो कि ये चेंज ना हो, ये जो 20 आया ना ये चेंज ना हो, तो आप क्या करना, अगर हम इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर 5 से करते हैं, अगर इसका उल्टा करते हैं, अगर इसका क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, तो देखो चेंज नहीं आया होगा, चेंज नहीं आया होगा। अगर हमने इसकी जो खपत थी उसी के रेशियो में क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, पहले जैसे क्या था यहाँ पे 6 यूज करते रहे होंगे, अब हमने क्या कर दिया, उसको कम कर दिया, ठीक है, तो ये देखो चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे 30 आया तो यहाँ पे क्या आया, 30 आया, लेकिन अब इसमें ये है कि ये पहले कितना था, 6 था, ठीक है, पहले खपत हमारी कितनी थी, 6 थी, अब हमने कितना कर दिया,
फाइव कर दिया, पहले कितनी थी हमारी 60, अब कितनी हो गई 5 हो गई, डिफरेंस कितने का आ गया? पूछ रहा ना खपत में हमें कितनी कमी कर दी, जो हमने खपत तो हमारी ये है ना, तो इसमें कितनी कमी हो गई, ठीक है, कितनी हो गई 1 की हो गई, तो उसी के रेस्पेक्ट में निकालो आपको आ जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में इसको आप निकालना, ट्राई करना, इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपको आधा बता दिया, आधा से ज्यादा बता दिया है, ठीक है, बाकी आप ट्राई करना, नहीं आएगा कल फिर बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। देखो कल मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक बताई थी, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। मेमोरी टेक्निक मीन्स याद करना, आप चुटकियों में कोई भी चीज याद कर सकते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखाऊंगा आपको। कल भी हमने किया था, सारे के सारे विटामिन्स याद किए थे वो जो मैंने लिखाए थे, कितने लोग थे कल क्लास में जरा बताओ, रोड नए चेंज जाते हैं, कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं। सर ने आपको फिर बताया है कि अगर क्वांटिटी नहीं रखेंगे, डेली नहीं आएंगे, तो आपका लॉस होने वाला है, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या चीज मिलने वाली है वो कहीं नहीं मिलेगी, यू विल नो, यू विल नेवर गेट दिस थिंग एनी वे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये चीज नहीं कराई जाएगी। आप कहीं भी चले जाना पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया, देयर इज ओनली 1% जो मेरे गुरु भी हैं विष्णु राय चौधरी, वो तो कराते हैं लेकिन वो वर्ल्ड लेवल के हैं, पर आप उनसे कभी मिल ही नहीं सकते शायद। ढूंढ लेना गूगल में विष्णु राय चौधरी, और उनकी मेमोरी टेक्निक्स है, उनकी मेमोरी का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जैसे मुझे भी 2000 साल का कैलेंडर मुझमानी आ 2000 ईयर्स का कैलेंडर, उसका डेमोन्स्ट्रेशन हम कल करके दिखाएंगे, हमारे पास किसी दिन ज़्यादा टाइम होगा उस दिन दिखाएंगे। कल जो क्लास है वो केवल अरविंद सर लेंगे, मैं अब्सेंट रहूँगा, कल भी शायद अब्सेंट रहूँ, और ट्यूसडे 2 दिन मुझे अब्सेंट रहना है, तो पूरे घंटा सर लेंगे क्लास, आपको करा देंगे वो सबकी है। तो कल हमने एक राइम किया था रिदम, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम जैसे आप थ्योरी याद कर रहे हैं, अपना कोई भी एग्जाम याद कर रहे हैं, और हमें टॉपिक याद करने होते हैं ना, किसी क्वेश्चन का टॉपिक लिखने होते हैं, वो टॉपिक 10 के करीब एक क्वेश्चन में होते हैं ना, 10 से ज़्यादा तो नहीं होते, 15 हो जाते होंगे टॉपिक वाइज लिखते हैं ना, कोई भी आर्टिकल एग्जाम में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री, कोई भी फिजिक्स, कुछ भी आता है आपका, मैकेनिकल का आता है, तो टॉपिक वाइज लिखते हैं ना, उन टॉपिक को हम याद कर सकते हैं इस सिस्टम की तरह। इधर बोलते हैं PVI सिस्टम, लिखते चले जाएगा जिन्होंने नहीं लिखा है, पर्सनल विजुअल इमेज, क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि जो अंक है जैसे एक का अंक है तो हमें एक ही दिखता है, हमने उसका एक वर्ड बनाया था, तो वन क्या था, तो मैंने एक राइम बताया था, 1 2 बक्कल माई शू, 3 4 5 6 पिकअप द विक्स, विक्स की डब्बी उठा के ला, 7 8 सिर में मार, जिसके समझ में नहीं आ रहा हो अपने सिर में प्लेट ला, और 9 10 ए बिग फैट, ये राइम सुनिए, 1 2 मेरे साथ बोलो, 1 2 बक्कल माई शू, 3 4 शट द, 5 6 उठा के लाओ सिर में दर्द हो गया, 7 8 देखो 8 में 2 प्लेट दिख रही है, 2 प्लेट से 8 बन जाता है, ऐसे प्लेट मार दी, 9 10 ए बिग फैट है, एक मोटी सी मुर्गी जो सोने का अंडा देती है, और सोने का अंडा कब देगी, जब आप पढ़ोगे गवर्नमेंट जॉब लगेगी, और मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट जॉब में 26,000 हो गई है, अभी लाल किले से घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी ने, अगर आप चपरासी भी लगते हो ना, जो हमारा चपरासी है ऐसे भी 26,000 की सैलरी, और यहाँ हमारे HOD की भी 26,000 सैलरी नहीं है, प्रधानमंत्री इनकी भी 26,000 नहीं है, अभी टक्कर, तो गवर्नमेंट जॉब में जाने से आपको ये फायदा,
सर्वोत्तम फैक्ट है, ये तथ्य है। प्राइवेट में क्या होता है और गवर्नमेंट में जाने से आपको क्या फायदा, अंडरस्टूड? ये टीवीआई याद करनी है, इसका प्रैक्टिकल अभी कर आगे दिखाऊंगा। देखो वन मैंने बोला वन सन, वन के आधार पे, तो वन की पिक्चर आपको जो देखनी है वो क्या देखनी है, सूर्य सन लिख लेना, जो मैंने नहीं लिखा है टॉपिक पे, वन सन हो जाएगा। जब भी मैं वन बोलूं तो आप क्या बोलोगे, सन। देखो मेरा मोबाइल नंबर है 9837282318, लास्ट में क्या है 18, तो वन नहीं बोलना है, तो 18 की जगह क्या बोलोगे, सन प्लेट। लास्ट में मेरे नंबर में 18 है, तो 1 और 8 है, 1 क्या है, सन। तो 1 2 बक्कल माई, तो 1 हो गया सन और 2 हो गया शू। जूते कितने होते हैं, 2। 3 ट्री, देखो 3 की स्पेलिंग और ट्री की स्पेलिंग सेम है, तो 3 क्या हो गया, ट्री। 4 डोर, 4 और डोर में सिमिलरिटी है, डोर को चौखट भी बोलते हैं, 4 चौखट होती है, 4 होते हैं ना इसके फील्ड, तो 4 डोर। और 5 है नाइफ, 5 उंगली कटवाई और उसमें नाइफ लगवा दिए। तो एक मूवी आई थी ना, कौन सी मूवी थी, इंग्लिश, उसमें वोल्फ, वोल्फ था वो बना, तो 5 9, ये 5 पीवीआई याद रखनी है। ये कैसे इस्तेमाल होंगे अभी बताऊंगा। 1 आप रिवाइज कर लो, बिल्कुल भी मत ये सोचना मैं क्या कह रहा हूं, बस मेरे को फॉलो करना है आपको। लास्ट में आप देखोगे तो बड़ी कमाल की चीज है, एकदम याद हो गया। 1 2 3 4 5, ये लिख लेना साथ साथ, जिन्होंने नहीं लिखी है भूल जाओगे नहीं तो, फटाफट लिखते चले जाओ अंधेरे में। 6 है विक्स, 6 असर वाला विक्स, जो विक्स की डब्बी होती है उसमें से एड निकलता है, आपने देखा होगा 6 डंडे से निकलते हैं, देखा है टीवी पे, तो 6 असर वाला विक्स, तो 6 सुनते ही आपके दिमाग में क्या जाए, विक्स। 7 हेवन, सातों दिन हम कहां रहना चाहते हैं, स्वर्ग में, सातों दिन हमें अगर स्वर्ग की टिकट मिल जाए तो मजा है। 7 8 प्लेट, 8 में 2 प्लेट दिख रही है, फटाफट फटाफट कि तेजी से मुझे याद हो जाए। 9 वाइन, 9 और वाइन, वाइन मीन शराब की बोतल, जो हमें पीनी नहीं है केवल याद रखना है, तो 9 वाइन। और 10 एक बिग फैट, एक मोटी सी मुर्गी जो रोजाना 10 सोने के अंडे देती है, फिर तो काम करने की जरूरत ही नहीं है ना, 10 सोने के अंडे रोज मिलने लगे, मिलेंगे। ये टेक्निक ऐसी है, आप बहुत से लोग मुझे 10-10 साल बाद फोन करते हैं, सर हमने आपकी टेक्निक इस्तेमाल की, मजा आ गया। एक लड़की है, अभी उसका मैसेज मुझे फेसबुक पे आया, 2008 में उसने टेक्निक की थी और उसका प्रमोशन होना था और मल्टीनेशनल कंपनी में, वो प्राइवेट में ही है, उसने उसके बॉस ने पूछा आपके अंदर क्या एक्स्ट्रा चीज है जो किसी के अंदर ना हो, भाई केमिस्ट्री आपको आती है, फिजिक्स आपको आती है, मैथ आपको आता है, एक्सरसाइज आपको आती है, पढ़ना आपको आता है, ड्राइविंग आपको आती है, एरोप्लेन चलाना आपको आता है, ऐसी क्या चीज है जो किसी और के अंदर ना हो। तो उसने बोल दिया, उसे ध्यान आई मेरी बात, उसने बोला सर मेरी मेमोरी टेक्निक जबरदस्त है, क्या लगे ये कैसे है? तो उसने बोला कि सर आप मेरे सामने कोई भी 10 वर्ड लिख दो, मैं उन्हें विद इन 2 मिनट्स याद करके सुना दूंगी और उल्टे सीधे सुना दूंगी, सीरीज में सुना दूंगी, जैसे चाहे वैसे सुन लेना, कटना सुन लेना। तो ये मेमोरी टेक्निक इतनी जबरदस्त है, अभी देखेंगे आपको, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं कि आप कैसे याद कर सकते हैं, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको 10 जासूसी एजेंसी, अगर भारत की जासूसी एजेंसी क्या है, अच्छा और बस एक ही पता, रॉ, भारत की जासूसी एजेंसी 3 है, 3 जासूसी एजेंसी है भारत के पास, 1 सुना होगा बाकी नहीं सुने। तो अगर मैं आपको 10 नाम लिख दूं नए जो जासूसी एजेंसी के नाम हो, ISI, मोसाद, बैंड, BND, तो शायद आप याद ही नहीं कर पाए, और साथ साथ उसकी कंट्री का नाम भी याद रखना है, ये जासूसी एजेंसी इस कंट्री की है। तो आपको कितना समय लगेगा याद करने में,
What do you expect? 100% मेमोरी देनी है. कितनी देनी है? 100% याद होने चाहिए. आपका जवाब क्या होगा जल्दी बताएं. कितने दिन लगेंगे आपको याद करने में? दो दिन. और दो दिन में गारंटी है कि 100% याद हो जाएंगे. एक दिन मिस ना हो तब भी शायद गारंटी ना हो. और एक हफ्ते बाद पूछूंगा तो सर बात तो भूल गया, आधे भूल जाते. इस मेमोरी टेक्निक से ऐसा नहीं होने वाला है. तो दोबारा एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो. 1 2 यानी देखना पिक्चर देखो. 1 2 दो जूते. 3 कौन गिरा था कल पेड़ पे से? अच्छा ये गिरा था. ये 3 बार पेड़ पे चढ़ा. पहली बार में टांग टूटी, दूसरी में भी टांग टूटी, तो तीसरी बार ये नहीं चढ़ेगा. आम तो गए आधुनिक कॉलेज में एक आम का पेड़ है तो उस पर चढ़ा था. 3 4 दो शब्द 5 6 7 8 9 10 कुछ लोगों को वाइन सुनते ही मजा आता है. सर क्या अच्छी चीज है? सबसे गंदी चीज क्या होता है पता है? इसमें क्या होता है? एक जो समझते हो चावल जो के पानी को सड़ाया जाता है उसमें कीड़े बढ़ जाते हैं. हजारों लाखों करोड़ों कीड़े उन्हें मशीन में डाला जाता है और उनका जूस वाइन देख लेना. यूट्यूब तो सब देखते हो, देख लेना. है नहीं है वाकई में कीड़े का पानी. मजा आ गया. ऐसे लोग पीते ना नाली में भी पड़े रहते थे पीने के बाद नाली में भी गिर जाए. ऐसा कोई मेथड नहीं है वाइन का जिसमें कीड़े ना. नो वेयर एनी वेयर इन द वर्ल्ड जिसमें कीड़े का जूस ना आता. ऐसी कोई वाइन बनी नहीं सकती वर्ल्ड वाइड. अगर आप वाइन पीते हैं तो चीटियां कीड़े मकोड़े इकट्ठे करो, उन्हें पीसो, चीनी वीनी मिलाओ, उसका जूस बना के पीलो, वो भी वाइन होता है. ऊपर की टिकट भी कटती है, वाइन वालों की भी कटती है. वाइन इतनी खतरनाक चीज है, इतनी गंदी चीज है. और लोग कहते हैं मजा आ गया, क्या टेस्ट है, बहुत कुछ पी सकते हो पीने को. तो ये चीजें कोई पीने की नहीं. तो नहीं हमारे हमें वाइन से कोई मतलब नहीं है. ये एक सोशल लेसन था. नहीं वाइन नो 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 वाइन को क्या कहना? नो. नहीं मीन्स नो भी तो होता है हिंदी में. तो वाइन को क्या कहना? नो. और 10 अब देखो यहाँ पे अलेविन है एलिफेंट और 12 है ट्यूबवेल. मैंने बताया था रिदम. मैं आपको 20 भी बताऊंगा, 100 भी बताऊंगा आगे. 100 तक की PVI, इसे क्या बोलते हैं? PVI सिस्टम, पर्सनल विजुअल इमेज. कोई भी मोबाइल नंबर याद करना है, कोई भी टॉपिक याद करना है, कोई भी फॉर्मूला याद करना, चुटकियों में कर पाएंगे इस टेक्निक से. लेकिन ये टेक्निक मिस हो गई तो हो गई. इसका अगला जो चैप्टर मैं कराऊंगा वो बुधवार को कराऊंगा, वेंसडे. ठीक है, मंडे को रहता हूँ तो मंडे को भी कराऊंगा. तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे. एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इनका कैसे याद करेंगे. एक बार पीछे के पेज पे 1 से 10 तक की सारी PVI आप लिख दो फटाफट. ईमानदारी से लिख के देख लें कि 1 से 10 की PVI आप लिख के जरूर देख लें. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना रखें. सर ये पहुंचे पीछे के पेज पे. ये 10 खूटियां हमारे माइंड में फिट हो गई.
मैं आपको बता देता हूं जो हमारा माइंड है ये वर्क क्यों करता है। ये हमारा माइंड है, हमारे दो माइंड होते हैं, ये पता है आपको? लोग कह देते हैं ना, घर वाले कह देते हैं दो दिमाग हैं। सुना है किसी ने कहा घर वालों ने, जब हम पढ़ते नहीं, तेरे तो दो दिमाग हैं, एक तो पढ़ाई में और एक आपस में। तो ये बात हमें सुनने को मिल जाती है, वाकई में हमारे दो दिमाग हैं, आधा इधर रखा आधा इधर रखा, लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन और राइट पार्ट ऑफ ब्रेन। आपके हिसाब से लिखते हैं, कुछ लेफ्ट से भी है, जो राइट से लिखते हैं वो लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ज्यादा चलाते हैं, और जो राइट लेफ्ट से लिखते हैं वो राइट पार्ट ऑफ ब्रेन ज्यादा चलाते हैं। अगर हम दोनों माइंड एक साथ चलाना सीख जाएं तो हमारी मेमोरी कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये मेमोरी टिप्स आपको मिली है, 1 से 10 की बात करते हैं हम, और क्या हम उससे खूंटियों से गुप्तचर एजेंसी जासूसी एजेंसी याद कर पाएंगे। देखो अभी कुछ गुप्तचर एजेंसी होंगी आगे पर सब देखो भारत की गुप्तचर एजेंसी, तो वन की पीआई क्या है ये बताओ, सन मीन सूर्य, और भारत की एजेंसी सूर्य के जैसे चमक रही है पूरे वर्ल्ड में, नंबर वन है सन की तरह चमक। ये लिखना नहीं है आपको अभी, ये हम बाद में टेस्ट लेंगे, मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिखे। पहले समझो, आई बी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, और रॉ आर ए डब्ल्यू। एक आपने WWF की फाइट अगर देखी हो तो उसमें एक ग्रुप है रॉ, कितने लोग जानते हैं इसे? 3 या ज्यादा लोग नहीं जानते। अच्छा चलो फिर हम ये नहीं लेंगे, हम रॉ मीन्स ले रहे हैं कच्चा। रॉ मीन्स क्या होता है? पका हुआ और कच्चा। रॉ मीन्स कच्चा। एक सूरज बहुत ज्यादा कच्चा हो गया, वो टूट टूट के गिरने लगा और पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी, पसीने आने लगे, ठीक है? तो सन सन कैसा हो गया? रॉ। सन कैसा हो गया? और गर्मी कहां पड़ने लगी? भारत। आई बी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जांच बिठाई हमने इस पे कि सन रॉ क्यों हो गया है, और सीबीआई की जांच बिठाई, दो जासूसी एजेंसी लगाती हमने, आईबी और सीबीआई। देखो आईबी का उल्टा करो बीआई, और बी के बाद सी आता है तो सीबीआई, आईबी को उल्टा दिमाग में बिठा दो, क्या हुआ? बीआई, और बी के बाद क्या आता है? तो सीबीआई। तीनों याद हो गए। सन से आपको क्या याद आएगा? रॉ कच्चा हो गया, फिर क्या याद आएगा? आईबी, फिर क्या याद आएगा? आईबी का उल्टा बीआई, और बीआई से पहले सीबीआई, बस इतना याद रखना। तीनों जासूसी याद हो गई। अब चलते हैं दूसरा, सेकंड। सेकंड का हमारा क्या था? शू, जूते। अब देखो टू पे हमने रखा है पाकिस्तान को, किसे रखा है? अब पाकिस्तान को क्या मारने हैं? जितने पाकिस्तान के जासूस पकड़े जाएंगे इंडिया में उनको क्या मारने हैं? शू, शू मार मार के उनको भगा देना, क्योंकि हमारी लड़ाई तो रहती है पाकिस्तान से, ठीक है? इस बात को बताना नहीं भरा जाता। देखो टू शू, शू किसके? पाकिस्तान के जासूसों को हमने मारे। आईएसआई, आईएसआई का ठप्पा लगा के भेज दिया। आईएसआई मार्क पता है ना? आईएसआई मार्क लगता है वो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं,
हमने क्या मार्क लगा के भेज दिया, मैं आईएसआई का था, क्या हमने अप्रूव कर दिया, पाकिस्तान में जाके जासूसी करो या नहीं करो, वन भारत सूर्य की तरह तुम्हारा, टू शू जूते से कौन बेटा, सुनते ही आपको याद क्या आएगा, पाकिस्तान, और याद क्या आएगा, आईएसआई। थर्ड थ्री, थ्री का क्या है, ट्री, ट्री थ्री, ट्री लिखना नहीं है, आई एम सेइंग डोंट राइट, पहले याद रखो, मैं बताऊंगा बाद में क्यों नहीं लिखना है, उसका रीजन है आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों मना कर रहा हूं। मेरी बताई हुई हर बात को फॉलो करो, फॉलो करोगे मेमोरी 100% पढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीज हमारी पड़ी हुई है, अब चैनल चिंता ना करो, ये पूरी की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, यूट्यूब पे जाके देख लेना, यहाँ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रही है जो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे तो वीडियो में नहीं देखना है, देखो नहीं देखना है मत देखो, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रही है। तो देखो थ्री ट्री, एक पेड़ के नीचे सीता माता बैठी थी, आपको ध्यान है रामायण में पेड़ के नीचे बैठती थी ना सीता रावण के यहाँ, तो वो कहने लगी मैं श्रीलंका नहीं रहूंगी, मैं कहाँ रहूंगी, अमेरिका रहूंगी, और अमेरिका में एक पेड़ लगाओ, और सीता माता ने कहा मैं फेसबुक भी चलाऊंगी, एफबी से क्या होता है फेसबुक, आई फेसबुक भी चलाऊंगी मैं, मॉडर्न हूं सीता माता, तो थ्री ट्री, ट्री का लगाना है अमेरिका, उस पेड़ के नीचे कौन बैठेगी, सीता माता, यानी सीता, ये माता को याद नहीं रखना, CIA, CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये एक दो बार पढ़ोगे नाम याद हो जाएगा, सीआ CIA लिख दो आप, ठीक है, जब चार ऑप्शन आते हैं तो वहां पे एकदम से अमेरिका देखते ही आपको याद आ जाएगा, और अमेरिका में ही फेसबुक का ऑफिस है, याद है ना आपको, तो सीता सीआ माता ने क्या कहा, मुझे फेसबुक भी ला के दो, आई एफ बी आई, मैं यहाँ आई तो मुझे फेसबुक भी ला के दो, ठीक है। नेक्स्ट फोर, डोर, डोर क्या है, डोर मैंने क्या बोला था, डोर को क्या करना है, बंद करना, शट, रूसिया, रसिया, रूस गया, ये टोपी वाला बैठा है, मैंने कहा कि टाइम से नहीं आया था, शट ये रूस गया, रशिया, डोर हमने बंद कर दिया, जासूस भी लग रहा है कैप लगा के, रशिया, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, डोर क्लोज, तो ये रूस गया रसिया, तो क्यों रूस गया, गुरु जी ने डांटा, गुरु जी आर याद करो, गुरु जी ने डांट लगाई थी, ये रूस गया, के जी में भाई तेरे, के जी बी, के जी में भाई तेरे, के जी, ये दो जासूसी एजेंसी है कहां की, रूस, तो दौर याद करते क्या याद याद आएगा आपको, जासूस रूस गया, हमने से कहा क्या हो गया भाई, तो किसने डांटा, गुरु जी आर गुरु, वैसे तो गुरु की स्पेलिंग होता है जी यू आर, गुरु, गुरु ने डांटा, कोई बात नहीं, डांट दिया अच्छी बात, तो फिर क्या पूछा इसके दोस्त ने, के जी बी, के जी में तेरे भाई क्लास नहीं करनी, मिस होगी तो पढ़ी नहीं कराने का तुझे, के जी बी, तो फोर दो, फोर दो, तो वन पे कौन सी एजेंसी है, भारत की, कितनी एजेंसी है, कौन कौन सी है, बीआई और सीबीआई, ओके, टू इसको लगाया था, कौन सी एजेंसी है, आईएसआई का, थ्री थ्री पे कौन, थ्री का लगवाया था हमने, अमेरिका, कौन बैठा था उसके नीचे, सीआ सीआईए, और उन्होंने क्या मांगा था, एफबीआई, फेसबुक की आईडी मेरी भी बंद है, मैं राम जी से बात करूंगी, वो एफ बी आई, फोर रूस गया, रशिया, गुरु जी आर यू, और के जी बी, के जी बी मित्र भाई, के जी, इनकी फुल फॉर्म याद करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आएगी तो आपको ये दो वर्ड भी याद रहेंगे तो आप कर सकते हो। फाइव, फाइव क्या है, नाइफ देखते ही आपने मुंह बांध दिया, चाकू देखते ही क्या हुआ, आपका मुंह खुला का खुला दिया, क्यों बार, क्यों मुंह आ रहा भाई, क्योंकि भाई पांच चाकू दिखा रहे थे, मुंह तो बांधू भाई, बाना क्यों बा, बाना मीन्स खोलना, गांव का बड़े क्यों बा,
क्यों मुंह खोला भाई तूने, क्यों फाइल क्या था पीबीआई? नाइफ, पर नाइफ देखते ही जासूस का मुंह खुला का खुला रहता। डीजीआई से शिकायत करेंगे कि ये मुंह खोल रहा है, पांच चक्कू लेके आया जासूस कहां का, क्यों बता? डीजीआई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, लेकिन डायरेक्टर जनरल डी इंटेलिजेंसिया, ये क्यूबा की लैंग्वेज में डीजीआई, हम सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है डीजीपी, हम किससे शिकायत करेंगे? डीजीआई से, याद हो गया? फाइल डीजीआई, क्यूबा, सिक्स विक्स, सिक्स है विक्स, सिक्स क्या है? देखो इसे बोलते हैं मिस्र, इजिप्ट, विक्स में हमने मिस्री मिलाई, क्या मिलाई? विक्स में हमने मिस्री मिला दी, वैसे मिल नहीं सकती, हमने मिला दी।